सस्टेन्ड इंटरफेरेंस हमने कर लिया था। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस वो है जिसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू दोनों लाइट्स की क्या रहती है, सेम, ए इज इक्वल टू बी। और मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी करवाया था, फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। तो हमने कर लिया था सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो मैंने ये बता दिया था इंटेंसिटी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर ए और बी बराबर पुट करके ये आंसर आता है। और ये भी बताया था अगर आपकी इंटेंसिटी डिफरेंट है तो आप अपना फॉर्मूला ये यूज़ करें, ये मैंने बताया था ये फॉर्मूला, ये देखो ये फॉर्मूला यूज़ करें अगर इंटेंसिटी डिफरेंट है तो, और अगर इंटेंसिटी सेम है बस फिर तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ करें, वेयर वेयर आई नॉट का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव, एक वेव की आई नॉट दूसरी वेव की आई नॉट तो रिजल्टेंट इसके इक्वल है। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं, अभी आपको देखना है कि इंटेंसिटी डिफरेंट है तो पहला फॉर्मूला, इंटेंसिटी सेम है तो दूसरा फॉर्मूला। तो ये सस्टेन्ड इंटरफेरेंस है, ये कर लिया था।